हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम एक मॉक टेस्ट करें एसएससी सीजीएल और सीपीओ जैसे एग्जाम्स के लिए, और एट द सेम टाइम एसएससी के दूसरे एग्जाम्स के लिए भी ये मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस मॉक टेस्ट के क्वेश्चन आपको करना है 30 सेकेंड में, एक क्वेश्चन को 30 सेकेंड में करना है, और उसके बाद जो भी आपका फाइनल स्कोर बनता है उसको मुझे आपको भेजना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इन क्वेश्चंस को। ये रियल क्वेश्चंस हैं और सेम इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एसएससी सीजीएल और सीपीओ एग्जाम्स में। तो ये एक स्पॉटिंग एरर का सेक्शन है और यहाँ से इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें चार पार्ट हैं और जिस भी पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है वही पार्ट आपका आंसर है। ही री एश्योर्ड टू हिज बॉस दैट ही हैड नो प्लान्स टू लीव द कंपनी। उसने अपने बॉस को रीअश्योर्ड किया कि उसका कोई प्लान नहीं था। तो यहाँ पर तो परफेक्ट टेंस का प्रयोग सही है क्योंकि ये चीज़ पहले घटित हुई थी और उसके बाद ये घटना हुई है, ठीक है, कि पास्ट टू पास्ट है यहाँ पर, ये तो सही है यहाँ पर हैड टू। तो रीअश्योर्ड के बाद हम डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, टू नहीं लगाते। ही रीअश्योर्ड हिज बॉस, इसमें हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ये इसमें गलती है। यानी यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपनी रिपोर्ट्स दैट द डिमांड फॉर द कंप्यूटर्स आर ग्रोइंग एवरी डे और नो एरर। तो इस क्वेश्चन में कहाँ पर गलती है? देखिए, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती है और इसमें जो रियल सब्जेक्ट है वो क्या है? द कंपनी रिपोर्ट्स दैट द डिमांड इज सिंगुलर, इसलिए डिमांड के इक्विवेलेंट जो वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या होगी? वो इज होगी। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं और इस सेंटेंस को आप पढ़ें आराम से और इसका आंसर दें आप। व्हेन आई सॉ द ड्रेस आई न्यू इट वाज एग्जैक्टली व्हाट आई हैड लुक्ड फॉर। ये एक अच्छा सेंटेंस है, इसको आप मान सकते हैं कि एक टिपिकल एसएससी सेंटेंस है और इस तरह के सेंटेंस काफ़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो इसका आंसर डिस्कस करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम कर सकते हैं। व्हेन आई सॉ द ड्रेस, जब मैंने ड्रेस को देखा तो मुझे पता लगा कि यही वो ड्रेस थी जिसको मैं ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी, ठीक है। यदि हम हिंदी में बोलेंगे तो हम इसको इस तरीके से बोलेंगे। व्हेन आई सॉ द ड्रेस आई न्यू इट वॉज एग्जैक्टली वॉट आई हैड लुक्ड फॉर की जगह वॉट आई वॉज लुकिंग फॉर का प्रयोग होगा। तो ये जो पार्ट है ये गलत है इसमें, ठीक है। आप कोई चीज़ ढूंढ रहे थे और अचानक से आपको एक चीज़ मिल गई, ठीक है। तो इसलिए व्हेन आई सॉ द ड्रेस आई न्यू इट वॉज एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर। तो सी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, एक्चुअली यहाँ पर एप्लीकेशंस भी होना चाहिए। द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैज़ रिजन दिस ईयर एज मैनी एज 50%। देखिए, द नंबर जो होता है वो सिंगुलर होता है और ए नंबर ऑफ जो होता है वो प्लूरल होता है। तो द नंबर ऑफ है इसमें, यहाँ पर एप्लीकेशंस होना चाहिए इसमें, लेकिन ये हैज का प्रयोग सही है इसमें क्योंकि द नंबर ऑफ जो होता है वो सिंगुलर होता है। लेकिन परसेंट के लिए हम यहाँ पर एज मैनी एज ना लगाते हुए एज मच एज लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एज मैनी एज जो आ रहा है ये परसेंट के लिए आ रहा है, परसेंट एक क्वांटिटी है, तो इसलिए इसके लिए हम एज मच एज लगाएंगे, एज मैनी एज नहीं लगाएंगे क्योंकि बाय लगा हुआ है और जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं वो परसेंट से बड़ी हैं, उसमें एक परसेंट का इजाफा हुआ है। तो परसेंट एक क्वांटिटी है और उसको हम एज मच एज के थ्रू हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी एज मैनी एज की जगह हम एज मच एज का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड। व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम, देखिए व्हेन आई एंटर्ड के बाद हम इनटू नहीं लगाते, एंटर्ड इनटू गलत हो जाएगा। तो व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ, तो यहाँ पर भी ये पास्ट टेंस है और यहाँ पर भी ये पास्ट टेंस है। व्हेन आई सॉ आई स्नेक काउंटेबल नाउन है तो ए लगा हुआ है, ये सही है। और मैंने एक स्नेक को कैसा देखा? मैंने एक स्नेक को क्राउलिंग स्टेट में देखा, ठीक है, रेंगते हुए देखा। तो क्राउलिंग जो है वो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी एक एडजेक्टिव है जो कि स्नेक की विशेषता बता रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये सही है। और ग्राउंड के साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं तो ये भी सही है। यानी इस क्वेश्चन में आपका आंसर होगा डी, यानी नो एरर।
अब ये दूसरा सेक्शन शुरू हो गया यहाँ से, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कंटेम्पचुअस, स्पॉन्टेनियस, एरोनियस और गॉर्जियस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, कंटेम्प, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कंटेम्पचुअस। कंटेम्पचुअस की स्पेलिंग इसमें सही लग रही है, कंटेम्पचुअस, बाकी स्पेलिंग देख लेते हैं। स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनुअस नहीं होता, इसलिए ये गलत है। इरोनियस, इरोनियस में ई नहीं आएगा, और गॉर्जियस इसमें भी यू नहीं आएगा, यानी यहाँ पर कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट चुअस, कंटेम्प्ट चुअस, ठीक है। तो ए इसमें स्पेलिंग जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कौन सी स्पेलिंग इसमें सही है। तो लिमोजीन एक कार होती है, लिमोजीन में डबल ओ नहीं आता, हिस्टीरिया में आई आता है, हिपोक्रेसी में एस आता है। पैराडाइम की स्पेलिंग इसमें सही है, PARADIGM, पैराडाइम की स्पेलिंग इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एटिक्वेट, ETI, नहीं एटिक्वेट की स्पेलिंग गलत है इसमें, ETIQUE होता है। बैंकेट में भी BANQUE, बैंकेट की स्पेलिंग गलत है ये। एंटीक की स्पेलिंग भी गलत है इसमें, ये स्पेलिंग सही है। ब्रुनेटी, ब्रुनेटी एक एक फॉरेन महिला को बोलते हैं जिसके बाल तो काले हैं लेकिन जिसका कॉम्प्लेक्शन फेयर है, उसको हम ब्रुनेटी बोलते हैं। तो ये स्पेलिंग इसमें सही है। आगे देखते हैं हम इडियम्स। द थीफ पास्ड हिमसेल्फ ऑफ एज ए टिकट एग्जामिनर। तो पास्ट हिमसेल्फ ऑफ का क्या मतलब है इसमें, और ये चार ऑप्शन नीचे दिए हैं। डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ, डिसीव्ड एवरीवन, यानी हर किसी को धोखा दिया, ठीक है। डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ, डिस्गाइज हिमसेल्फ, वॉज रिगार्डेड। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डिस्गाइज हिमसेल्फ, अपना उसने वेश जो है वो चेंज कर लिया, सी यहाँ पर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द बॉयज क्राइड विद वन वॉइस दैट द एग्जामिनेशन शुड बी पोस्टपोन्ड। सारे लड़कों ने चिल्लाया, सारे लड़कों ने एक ही आवाज़ में ये बात कही कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन होना चाहिए। विद वन वॉइस का क्या मतलब है, विद वन वॉइस का मतलब है कि सभी का जो मत था वो एक ही था, और उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में यूनैनिमसली। यूनैनिमस मतलब सभी एक मत से सहमत थे, तो यूनैनिमसली यहाँ पर इसका सही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, दैट फेलो ट्रम्प्ड अप अ स्टोरी, ठीक है। ट्रम्प्ड अप अ स्टोरी का क्या मतलब निकल रहा है, उस स्टोरी को उसने मनगढ़ंत स्टोरी अपनी बना ली कोई बहाना बनाने के लिए, किसी काम से जी चुराने के लिए, ठीक है। ट्रम्प्ड अप इसको हम बोलते हैं, और इसका जो इक्विवेलेंट है वो है कनकॉक्टेड। कनकॉक्टेड मतलब मनगढ़ंत कहानी बनाना, तो सी यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, अ ब्रेव सोल्जर विल नेवर शो द वाइट फेदर इन द फेस ऑफ हिज एनिमी। एक ब्रेव जो सोल्जर होगा वो कभी भी एनिमी के सामने क्या नहीं दिखाएगा, शो द वाइट फेदर। वाइट फेदर का क्या मतलब होता है, इसका आंसर आप लगाइए, और इसका सही आंसर होता है शो साइन ऑफ कॉवर्डिस, कायरता का परिचय देना दुश्मन के सामने, ठीक है। तो इसमें ए आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, टू कीप अप वंस अपियरेंसेस। टू कीप अप वंस अपियरेंसेस का क्या मतलब है, और इसका सही आंसर होगा प्रॉस्पेरिटी का दिखावा करना, ऐसा दिखावा करना कि आप काफ़ी समृद्ध हैं, आपके पास काफ़ी पैसा है। टू मेक एन आउटवर्ड शो ऑफ प्रॉस्पेरिटी, सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ये PQRS के क्वेश्चन हैं, और ये PQRS का क्वेश्चन आपके सामने है। द सेकेंड मोटिव नेम्ड, इसमें हम बता रहे हैं कि सेकेंड मोटिव क्या था, सेकेंड मोटिव का नाम क्या था। सेकेंड मोटिव नेम्ड, द एमिंग नहीं आएगा, लाइज फॉर्मली से नहीं बनेगा, एम्बिशन से बन सकता है, एम्बिशन से बना के देखते हैं। द सेकेंड मोटिव नेम्ड एम्बिशन, और इन माइल्डर टर्म्स द एमिंग एट। देखिए एमिंग एट के बाद यहाँ पर आपको कोई नाउन चाहिए, तो एमिंग एट के बाद ये जो पार्ट है ये जुड़ जाएगा इसमें, यानी यहाँ पर द सेकेंड मोटिव नेम्ड एम्बिशन, और इन माइल्डर टर्म्स द एमिंग एट, एमिंग एट के बाद ये जुड़ जाएगा, एमिंग एट रिकॉग्निशन और कंसिडरेशन
लाइज फॉर्मली फिक्स्ड इन द ह्यूमन नेचर, इस तरीके से ये बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आर पी एस क्यू इसका सही आंसर होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है और इन पी क्यू आर एस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना अच्छा रहेगा। इस सेंटेंस को आप करें और इसका सही आंसर बताएं। पी क्यू आर एस पैराजम्बल का क्वेश्चन है, द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर हैव प्रोवाइडेड अस, से भी जुड़ सकता है, दैट हैव बिकम द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर हैव प्रोवाइडेड अस के बाद मतलब विलियम शेक्सपियर के वर्क ने हमें ये चीज़ प्रोवाइड की है और प्रोवाइड के साथ हम विद लगाते हैं, तो यहाँ पर ये सेंटेंस फर्स्ट आ सकता है, द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर हैव प्रोवाइडेड अस, ये हो जाएगा सेकेंड विद अ नंबर ऑफ फ्रेज विद अ नंबर ऑफ फ्रेजेस दैट हैव बिकम सच कॉमन एक्सप्रेशंस दैट हैव बिकम व्हाट दैट हैव बिकम सच कॉमन एक्सप्रेशंस दैट फ्यू रियलाइज देयर सोर्सेस। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन जाएगा और यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, पी एस क्यू आर, ठीक है, बी इसका सही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, सिनोनिम आपको बताना है सॉलिसिज्म, सॉलिसिज्म का क्या मतलब है, और इसमें ऑप्शन दिए हैं वाइज सेइंग, विटी क्विप, क्लेवर आर्ग्यूमेंट और ग्रामेटिकल एरर। सॉलिसिज्म का अर्थ होता है ग्रामेटिकल एरर, तो डी इसमें सही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कोलैबोरेट, इसकी स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है सीजीएल और सीपीयू एग्जाम के लिए, कोलैबोरेट और कोलैबोरेट की स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है। कोलैबोरेट का अर्थ होता है किसी चीज़ को ऑथेंटिकेट करना या सब्सटेंशिएट करना, ठीक है, किसी चीज़ को सत्यापित करना, तो बी इसमें सही आंसर होगा कोलैबोरेट। क्वेश्चन नंबर 18 डेलीरियस का क्या मतलब है, देखिए एसएससी में जो ऑप्शन आते हैं वो काफ़ी क्लोज रहते हैं, तो डेलीरियस का क्या मतलब है, डेलीरियस का मतलब एक्चुअली रेस्टलेस भी होता है, लेकिन इसका जो सही मतलब है वो होता है बहुत ज़्यादा ओवर जॉयड होना या एक्साइटेड होना, तो एक्साइटेड यहाँ एकदम सही आंसर है, हालांकि डेस्परेट भी इसका मीनिंग होता है, लेकिन एक्साइटेड इसका मोर क्लोज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, स्टेडफास्ट का क्या मतलब है, स्टेडफास्ट का मतलब होता है जो एकदम से फर्म है, जो एकदम से मजबूत है, जो वेवरिंग नहीं है, जो अनवेवरिंग है, यानी इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा वेवरिंग। ठीक है, एंटोनिम यहाँ पर आपको बताना है, तो इसलिए वेवरिंग होगा, इसका फीबल भी हो सकता है क्योंकि फीबल का मतलब वीक होता है, लेकिन इसका जो सही आंसर है मोर करेक्ट जिसको हम बोलेंगे वो वेवरिंग होगा, क्योंकि स्टेडफास्ट का होता है अनवेवरिंग, एकदम से रिजोल्यूट, एकदम से फर्म, उसको हम बोलते हैं स्टेडफास्ट, इसलिए वेवरिंग इसका सही आंसर होगा। स्टॉन्च का लॉयल होता है, फेंट का मतलब होता है चक्कर आ जाना, ठीक है, तो फीबल भी नहीं होगा इसका, वेवरिंग इसका सही आंसर आपका होगा। विरिलिटी का क्या मतलब है, विरिलिटी का एंटोनिम आपको बताना है, विरिलिटी का मतलब है होता है मैनली क्वालिटी, ठीक है, एक व्यक्ति के अंदर मैनली क्वालिटी होना, करेज होना, हिम्मत होना, और एक पुरुष के अंदर, एक मैन के अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो एक्सपेक्टेड की जाती हैं, उसको हम बोलते हैं विरिलिटी, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा फेमिनिनिटी। ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा। स्टेलनेस का मतलब बासी, ये जो ताज़ा नहीं है, इन्फ्यूरिएशन मतलब गुस्सा, और टर्पीट्यूड मतलब मोरल करप्शन, तो विरिलिटी का होगा फेमिनिनिटी। पार्टेक का क्या मतलब है, पार्टेक अर्थ किसी चीज़ को खाना या पीना भी होता है, और किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना भी होता है, और जब हम खाने और पीने के लिए इसको यूज़ करते हैं पार्टेक को, तो इसके बाद हम ऑफ लगाते हैं, वैसे हम इन लगा सकते हैं, पार्टेक इन और पार्टेक ऑफ मतलब जब हम खाने पीने के लिए इसको यूज़ करते हैं, और जब आप इन्वॉल्व नहीं होते हैं किसी चीज़ में तो उससे आप क्या करते हैं, उससे आप परहेज़ करते हैं, परहेज़ की जो स्पेलिंग है वो है एब्सटेन या रिफ्रेन भी बोलते हैं इसको हम। एब्जॉर्ब का अर्थ होता है बरी करना, ठीक है, तो ए इसमें आपका सही आंसर होगा।
ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड, किसी चीज़ को घर में जमा करके रखना, पर्टिकुलरली किसी कमोडिटी को जितना अलाउ है उससे ज़्यादा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा होड, काला बाजारी जिसको हम बोलते हैं, होर्डिंग या होड इसका सही आंसर होगा। 23 वेरी ड्रामेटिक कोई भी यदि सिचुएशन है तो उसको हम हिस्ट्रियोनिक बोलते हैं, ठीक है, हिस्ट्रियोनिक यहाँ पर इसका सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई डू नॉट हेट मूवीज बट गो टू अ प्ले, मैं मूवीज से हेट नहीं करता लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ प्लेस में जाना, आई प्रेफर टू गो टू अ प्ले, तो टू तो इसमें लगा नहीं है तो इसलिए इसमें प्रेफर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें हम बोलेंगे आई वुड रादर मतलब इस काम को करने की अपेक्षा मैं इस काम को करना पसंद करूँगा, ठीक है, उसमें हम प्रायोरिटी बताते हैं, उसमें हम प्रेफरेंस बताते हैं आई वुड रादर में, और आई वुड रादर के बाद टू नहीं आता तो इसलिए आई वुड रादर यहाँ पर आपका सही प्रयोग होगा। क्वेश्चन 25 देखते हैं, इफ़ यू डू नॉट रिटर्न माई मनी आई विल यू, यदि आप मेरा पैसा नहीं लौटाते हैं तो मैं आप पर केस कर दूंगा, और केस करने को बोलते हैं सू करना। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, आफ्टर द इनिशियल सेटबैक ही रिकनसाइल्ड हिमसेल्फ हिज ऑफिस रूटीन, मतलब कुछ सेटबैक के बाद, कुछ परेशानियों के बाद उसने अपने आप को रिकनसाइल कर लिया ऑफिस रूटीन में, और रिकनसाइल के बाद हम यहाँ पर जो वर्ड लगाएंगे वो लगाएंगे टू। इन्वेस्टर कंसर्न्स आर रिफ्लेक्टेड इन द मूवमेंट ऑफ द डॉलर, देखिए यहाँ पर अमंग या अमंगेस्ट का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि डॉलर के मूवमेंट दूसरे की तुलना में, दूसरी जो करेंसी है उसकी तुलना में डॉलर का मूवमेंट क्या हो रहा है, ठीक है, उससे इन्वेस्टर का कंसर्न रिफ्लेक्ट होता है, तो यहाँ पर हम अमंग नाम लगाते हुए हम लगाएंगे अगेंस्ट, क्योंकि यहाँ हम तुलना कर रहे हैं कि एक करेंसी अगर ऊपर जा रही है तो उसके अगेंस्ट यानी उसकी तुलना में डॉलर का मूवमेंट क्या है, ठीक है। अमंग हम लगाते हैं जब ग्रुप में किसी चीज़ की हम बात करते हैं कि इस ग्रुप में चार पांच चीज़ें हैं और एक चीज़ उसमें सबसे अच्छी है या सबसे बुरी है या सबसे लंबी है, उस सेंस में हम अमंग का प्रयोग करते हैं, तो अगेंस्ट यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन, इस वीडियो क्लास में वैसे तो 27 क्वेश्चन हैं लेकिन 25 क्वेश्चन SSC टीयर 1 में पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से मॉक टेस्ट आपको करना है और इसमें इसके स्कोर के थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी प्रिपरेशन को आप मेजर कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में, थैंक यू।